हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव जर्नी। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एलिफेंट प्लांटर, जिसे हम बनाएंगे इस तरह की प्लास्टिक बॉटल से। ये फिनाइल की बॉटल है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम पेंसिल या स्केच पेन की हेल्प से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, जिससे यहाँ पर हम एलिफेंट का लुक क्रिएट कर सकेंगे। मार्किंग तो कंप्लीट हो गई है, अब बारी आती है इसे कट करने की। जितना हिस्सा हमने मार्क किया है, हम उसे शार्प कटर या फिर नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे ऑफ कैमरा नाइफ की हेल्प से कट कर लिया है। अब जो इसका बॉटम था, उसे भी हम एक प्रॉपर मार्किंग देके स्केच पेन की हेल्प से उसके ऊपर कुछ कर्व बना देंगे, कुछ इस तरह से, और फिर इसे भी कट कर लेंगे। एलिफेंट के ईयर्स बनाने के लिए जो हमने यहाँ पर कंटेनर को कट किया था, उसी का कुछ हिस्सा यूज करेंगे और इस तरह से ईयर्स बना देंगे। फिर इन्हें भी हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इसे कट किया है वो कुछ इस तरह का है। इसके बॉटम में भी हम एक बड़ा सा होल बना देंगे, जिससे हम इसे हाथी के ऊपर इजिली स्टिक कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर एलिफेंट के बॉडी पार्ट को रफली हाईलाइट कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पर बनाने का ट्राई कर रही हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह का लुक देगा। आप चाहें तो इसे ऐसे ही एक्रेलिक कलर से इसके बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट कर एलिफेंट प्लांटर बना सकते हैं। ईयर्स को एलिफेंट पे स्टिक करने के लिए कटर की हेल्प से हम छोटा सा कट लगाएंगे और ईयर्स को हल्का सा प्रेस करते हुए एलिफेंट में स्टिक कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब हम इसका जो बॉटल कैप है उसको ओपन करेंगे और जो हमने बेस रेडी किया था उसे इसके ऊपर रखते हुए बॉटल कैप को वापस से टाइटली क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा क्यूट सा एलिफेंट प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो ऐसे ही इस पर ईयर्स और पैरों को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए ऐसे ही आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे व्हाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर रही हूँ। यहाँ पर ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब मैं इस पर बाकी बॉडी पार्ट्स को एक्रेलिक कलर की हेल्प से ड्रॉ कर दूंगी, कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्यूट सा एलिफेंट प्लांटर बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।